व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये अपना गाड़ी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो रहने वाला है। भी कुछ नीचे। प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपना माइक ऑन नहीं कर पाता हूँ रिकॉर्डिंग में। सो अब स्क्रिम्स एंड टूर्नामेंट हाईलाइट्स में मेरा वॉइस ओवर रहेगा एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई आएना, सो आएंगे तो चलिए वीडियो मार स्टार्ट देंगे, करते हैं। बाकी देख लेंगे। लेदर तो चक तो मारेंगे हम फिर। अपने ड्रॉप पे पहुँचते हैं, लूट स्टार्ट ही करते हैं कि लूट के कुछ टाइम बाद ही अपना पहला फाइट स्टार्ट होता है। तो एक गाड़ी आता है चलो मेरी तो उसको जगह है रोटेशन भाई। में पकड़ते हैं, चलो मेरे को गन्स तो मिल सीधा गई, उसी फाइट पे चलते हैं। यहाँ पे M24 पड़ी है। तो मैं क्या मजाक कर रहा था क्या? I got supplies. तो यहाँ पे पहला बंदा नॉक होता है और दूसरा गाड़ी वाला भी लेट होता है। तो मैं अपने टीममेट्स को सीधा कॉल देता हूँ रशन करने का, और मेरे पास असल में लूट नहीं होता तो मैं पीछे आके लूटता हूँ और उनको उसके बाद ज्वाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नेड का कॉल देता हूँ और नेड से बंदा भी नॉक हो जाता है और सीधा नॉक होते हैं मुझते हैं। अरे मैं सो यहाँ पे स्पॉट इजीली वाइप हो जाती है विदाउट एनी कैजुअल्टीज। देन हम अपना लूट कंप्लीट करते हैं एंड अपना रोटेशन देते हैं कॉस्ट जोन, तो मतलब यहाँ पे बनने वाला है नहीं। एंड अब रोटेशन का आदत भी बनी चुका है, पहले फुट नहीं है मतलब। अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी टीम को थोड़ा बैक फुट पे ले आती है, बट थैंक गॉड ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अब ये देखो वाह क्या सीन है। नहीं स्मूथ मैं जा रहा हूँ भाई ब्रो। स्मोक पाथ बना दिया, तेजस को रिवाइव दे दो। आ रहा है वो, वॉच आउट हिल बंदा। तो यहाँ हम स्मोक वगैरह करके बच जाते हैं बट हमारी सारी व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। रख लेना। तो इमीडिएटली ऑन फुट फॉल बैक करने का कॉल देता हूँ और हम वहाँ से निकल जाते हैं जून की तरफ। द बेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड देख। अरे यार आ गया ऑलमोस्ट। बगी वाला नॉक एक आ रहा हूं मुख का देंगे और नॉक मत इस लेजर आ जा। यहां पे स्मोक हुआ, यहां स्मोक किसने किया? तो जिस बंदे को मैंने अभी मारा उसके टीममेट्स रोटेट करके हमारे आगे आ जाते हैं, तो मैंने इंस्टेंट कॉल दिया कि इनको वाइप करते हैं बिकॉज नेक्स्ट जोन भी हमको जाना था। राइट कुछ करना है चलो ऑल डेड। बग्गी मिल गई मेरे को। ओके अब यहाँ पे ये स्क्वाड वाइप हो जाती है तो हमको गाड़ियाँ भी मिल जाती है, तो हम गाड़ी पकड़ के इधर जोन की तरफ निकलते हैं। उतने में एक बंदा यहाँ पे मिलता है, तो ये देखो इस बंदे को मैं टीममेट नॉक करता है और हम सीधा हिल की तरफ निकलते हैं। उस हिल के ऊपर भी बंदे होते हैं तो उनको डॉच करके हमको जोन जाना होता है। एक एक शॉट हुआ, बाकी बंदे हीलिंग गाड़ी चेक कर रहा। बैंडेज लगा दो स्मोक करियो के पीछे साइड अटैक 3 जोन प्रेफर कर दो अगर करना है। तो यहाँ पे जो मेरे दो टीममेट्स मेरे साथ थे तो मैं उनको कॉल देता हूँ कि मेरे को लेफ्ट हिल से एड्रेस दो ताकि मैं राइट से इजी जा सकूँ, तो राइट हिल से मेरे को ना पड़े। तो एड्रेस पे गया, उसके बाद मैं देखा कि राइट हिल से तो रिस्की है नहीं, तो अपने टीममेट्स को बुला गया, वो लोग भी सीधा ऊपर हिल पे आ जाते हैं। निकल राइट राइट साइड नॉक दे। हमारे सामने एक स्टैक होता है जहाँ पे मेरा टीममेट एक नॉक देता है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ और सीधा वहाँ पे स्लैम देता हूँ। बाकी टीममेट्स मेरे को कवर देते हैं और हम सीधा वहाँ पे स्लैम देते हैं। निकल निकल। और यहाँ पे ये बंदा भी नॉक हो जाता है और ये जगह हमको मिल जाता है जोन में। नाइस
मुझे नीचे आना, स्मोक पास बनाओ मेरे लिए। एनरॉन चल भाई, यार नेट चला गया मेरा, क्या है क्या ही फोन। Watch out! एक कॉर्नर आ गया हमको, कॉर्नर और बूस्ट भी गया क्या? यहाँ से जोन हमसे कट जाता है और हमको राइट साइड जाना होता है और लेफ्ट साइड में बंदे क्लोजिंग कर चुके थे, तो अपने बंदों को बोला कि वो निकल ले जोन और मैं इनको पकड़ के रखता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेनेड करता देता हूँ, यहाँ पे एक नॉक होता है जो कि हमको अपॉर्चुनिटी देता है जोन निकलने के लिए। तो मेरी टीममेट्स सब बगी लेकर निकल जाते हैं, मैं एक नेट मारता हूं। मेरी बगी में आना कर रही था ना, ऑन को जाना पड़ा क्योंकि बगी थाने वो डायर पड़ चुका था। हम वी आर इन जोन, बंदा है सामने और मेरी टीममेट जोन में पहुंच गए, उनके आगे बंदे थे। यहाँ पे थोड़ा बंदे, यहाँ पे थोड़ा बंदे आगे सामने, थोड़ा बहुत पता तो वो थोड़ा दिक्कत दिया। तो जिन लोगों ने भी वीडियो यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जितना हो सके शेयर करो। एंड यस, पहला वॉइस ओवर था, जो कुछ भी लगा हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही आते रहेंगे।